दोस्तों नमस्कार। और सुनाओ, कैसे हो आप सब? लॉकडाउन में क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नया सीखा क्या? कुछ नया काम किया क्या? ट्राई करते रहो यारो, वक्त का कुछ पता नहीं कि कब किस वक्त क्या काम चल निकले। आज का टाइम बड़ा मुश्किल है, बहुत कंपटीशन है हर तरफ। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, शुभकामनाएँ हैं, दिल लगा कर काम करते रहो। आज की बात करते हैं साथियों, एक बड़ी अजीब समस्या है आज। लोगों की राय कुछ होती है और सच्चाई कुछ और ही निकलती है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक पर अनगिनत ओपिनियंस तो होते हैं, लेकिन फैक्ट कुछ और ही निकल के आता है। आप जरा सा कोई काम करने लगोगे तो लोगों को पता चलने लग जाता है और फिर एक बौछार सी होती है बेतुके ओपिनियंस की। जबकि उस काम की दिक्कत, उस काम की ट्रिक्स, आइडियाज़ के बारे में सिर्फ आपको और आपको ही पता होता है। आप कितने सफल होने वाले हैं ये भी आपको ही पता होता है। आपकी मेहनत, आपका जुनून, आपकी दूरदर्शिता, आपकी प्लानिंग ही एक्चुअल में फैक्ट होती है। परंतु आपको सलाह ऐसे निकम्मे लोग देंगे जिन्होंने कभी कोई काम करके देखा ही नहीं होगा। उनका काम सिर्फ आपका मनोबल गिराना होगा, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। ये सिर्फ आपके काम में रोड़ा अटकाएंगे और आपको हतोत्साहित करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज से एक वादा कर लो अपने आप से कि ओपिनियन पर नहीं, फैक्ट पर बात करनी शुरू करेंगे हम। यानी कि सुनो सबकी और करो मन की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल कंपटीशन का ज़माना है। हर तरफ बहुत से लोग वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हो। आज लोग चाहते हैं कि आप बेहतर तो करो, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे बेहतर कर जाओ। इसलिए अपनी प्लानिंग पर चुपचाप मेहनत करो, उसको थोड़े दिनों के लिए सीक्रेट रखो, कुछ समय तक, जब तक आपकी अच्छी आमदनी ना शुरू हो जाए। एक बार जब आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से कोई बात पता चल जाएगी। उनको किसी ना किसी के थ्रू आपकी बात पता चलेगी और उस वक्त असली राय वो देने शुरू करेंगे। वहाँ से एक फैक्ट वाली बात शुरू होगी। सो फ्रेंड्स, टॉक ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन ओपिनियंस। इसी बात के साथ में मैं अपनी बात आज समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार। और सुनाओ, कैसे हो आप सब? लॉकडाउन में क्या कर रहे हो?